हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल थिंगस इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट एलसी टैंक सर्किट अ एलसी टैंक सर्किट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर एंड अ इंडक्टर जो एलसी टैंक सर्किट होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर और इंडक्टर का मतलब जब एक इंडक्टर को पैरल में कनेक्ट कर दिया जाता है कैपेसिटर के तो वो होता है एलसी टैंक सर्किट ये इसका सर्किट डायग्राम है जिसमें ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है आइए कैपेसिटर और इंडक्टर के कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कैफेटर इंडक्टर होता है दोनों ही एनर्जी को स्टोर करता है जो कैफिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोन मैग्नेटिक एर्नर्जी दिस टूल इज डिजाइन टू कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टैंक सर्किट इफ द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर वैल्यूज आर नोन ये जो टूल है वो यूज करा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए जब हमें कैपेसिटेंस और इंडक्टर्स की वैल्यू पता होती है आइए अब इसके सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं यहाँ पे हमने वोल्टेज सप्लाई दी है जब ये सप्लाई अप्लाई करेंगे तो ये कैफेटर चार्ज हो जाएगा जब कैफेटर चार्ज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी जीरो जीर जब जीर यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो जाएगी तब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे फिर स्विच के थ्रू कैप्सिलटर को इंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे जब कैपिलीटर को इंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तो जो इंडक्टर है वो चार्ज होने लगेगा और कैप्सीटर पर जो वोल्टेज थी उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो जब इंडक्टर चार्ज हो जाएगा तो उसमें चार्जिंग का फ्लो यहाँ से होगा मतलब करंट का फ्लो हमारा यहाँ से होगा और कैप्सिलट चार्ज हो जाएगा जब जैप्सिलटर चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस मतलब इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी इंडक्टर में करंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो और कैपेसिटर में करंट का फ्लो इधर होगा जब कैपेसिटर में करंट का फ्लो होगा तब इंडक्टर चार्ज हो जाएगा जब इंडक्टर चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर में वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी जीरो जब इंडक्टर से करंट का फ्लो होगा तब इंडक्टर से करंट का फ्लो इधर से होगा और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस इसका मतलब यह है जब हम इसका सिग्नल ड्रॉ करेंगे जब हमने कैपेसिटर को वोल्टेज दिया तब यह चार्ज हो गया देखिए तब यह चार्ज हो गया उसके बाद कैपेसिटर की वोल्टेज की वैल्यू होगी जीरो तब यह हो गया जीरो फिर जब कैपेसिटर चार्ज हुआ तब इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई देखिए चार्ज हुआ पर इसकी चेंज हो गई उसके बाद फिर उसकी वोल्टेज की वैल्यू हो गई जीरो फिर उसकी वोल्टेज की वैल्यू हो गई बाद देखिए फिर कैपेसिटर चार्ज हो गया तो इसकी वैल्यू हो गई हाई उसके बाद फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो आइए अब इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्कस कर लेते हैं एफ बराबर होता है प्लीज गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो थैंक यू